पीटीआई हुकूमत भी करप्शन रोकने में नाकाम। मुल्क में करप्शन में इजाफा, करप्शन में पाकिस्तान 16 दर्जे ऊपर चला गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान का नंबर 124 था, जो बढ़कर 140 हो गया। करप्शन के खिलाफ इकदामात में भी स्कोर मुतासर, 3 पॉइंट्स गिर गए, पॉइंट्स 31 से कम होकर 28 रह गए। हाउस प्लीज सुने मिनिस्टर साहब करें जी, जिस हालत में इस मुल्क की इकोनॉमी को छोड़ के गए, चाहे सब कुछ दांव पे लग जाए, चाहे हुकूमत इधर से उधर हो जाए, चाहे इकतदार रहे ना रहे, इमरान खान साहब करप्शन से एक इंच पीछे नहीं हटेगा। भागने वालों को कह रहा हूँ, आ जाओ, बैठ जाओ, सामना करो, सुनो, सच का सामना करो। सेनेट में भी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट की गूंज। हिज़्बे इख्तिलाफ ने करप्शन में इजाफे पर तहरीके इल्तवा जमा करा दी। फौरी बहस का मुतालबा, शहरी रहमान ने कहा हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा करप्शन है। हुकूमती बेंचों से अपोजिशन पर जवाबी इल्जामात की बारिश। मुराद सईद और अली मोहम्मद का रिपोर्ट पर बराह रास्त जवाब देने से गुरेज। सर, पाकिस्तान 16 दर्जे जो है नीचे चले गया, ये बताइएगा करप्शन में। आलमी इदारे की रिपोर्ट, फर्द जुर्म है, करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें। शहबाज शरीफ का मुतालबा, बयान में कहा हुकूमत का करप्शन साबित हो गई। शाहिद खाकान अब्बासी बोले एक साथ 16 दर्जे कमी रिकॉर्ड है। अदलिया ने इमरान खान को सादिक और अमीन का लकब दिया, यही सादिक और अमीन इंतहाई करप्ट साबित हुआ। जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस है, आज वो हुकूमती एहलकार नहीं कह रहे, वो पूरी दुनिया मान रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, ये क्या ट्रैक करती है? ये ट्रैक करती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये। हसन खावर ने ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट जाली करार दे दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा तहरीके इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी दुनिया मान रही है, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आवाम की करप्शन बारे राय बताती है। हसन खावर बोले अपोजिशन की बदतमीजी और गैर इखलाकी जबान आसमान तक जा पहुँचे। साफ चली शफाफ चली की हकीकत खुलकर सामने आ गई। अपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमत पर शदीद तनकीद। हमजा शहबाज ने कहा तहरीक इंसाफ ने मुल्क को दुनिया में रुस्वा कर दिया। उज़्मा बुखारी बोली रिपोर्ट तब्दीली के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है। इमरान खान आलमी सर्टिफाइड करप्ट साबित हो रहे हैं। लाड़काना में कच्ची आबादियों के मालिकाना हकूक दिए दिए गए। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा गुजरावाला को रेगुलराइज करना मुश्किल, बनी गाला रेगुलर कराना आसान है। पीपुल्स पार्टी आवाम को मालिकाना हकूक देने के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो ने कहा आवाम पीपुल्स पार्टी के हाथ मजबूत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। कोरोना सूरत हाल पर भी शुरका को ब्रीफिंग, मुख्तलिफ बिल्स और पॉलिसीज की मंजूरी का भी इम्कान। पीडीएम इजलास से कबल मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ में टेलीफोनिक रबता। नवाज शरीफ ने कहा पीडीएम के फैसले पर नून लीग भरपूर साथ देगी। पीडीएम का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पीडीएम पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस पर भी रद्द अमल देगी।